हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे करना चाहिए ब्लीच। सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑक्सी प्रो ब्लीच है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली बनाई जाती है। तो ऑक्सी प्रो ब्लीच को मैंने इतना कांच के कटोरी में ले लिया है। इसका एक्टिवेटर कुछ इस तरीके का है। गॉर्जियस लंदन का ऑक्सी प्रो ब्लीच है ये। गॉर्जियस लंदन के प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, बट इनको करते टाइम कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको एक्टिवेटर बहुत ही कम मात्रा में लेना होता है, क्योंकि ये जो गॉर्जियस लंदन का प्रोडक्ट है थोड़ा बहुत हार्ड है। तो अगर सेंसिटिव स्किन पर कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज स्किन अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जैसे ब्लीच करते हो कर सकते हो। तो इनकी स्किन भी सेंसिटिव है, तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा एक्टिवेटर लिया है क्रीम में और उसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद से अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है सब कुछ बता रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इससे पहले मैंने इनके फेस पर क्या लगाया है वो बता देती हूँ आपको। तो मैंने इनके फेस पर लगाया है, सबसे पहले तो मैंने इनके फेस पर गुलाब जल लगाया था। उसके बाद मैंने B1 का ये एलोवेरा फॉर ड्राई स्किन के लिए क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई किया है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए। और B1 का ही यहाँ पे रोज़ वाटर मैंने इनके फेस पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड किया था, बार बार इनका कॉल आ रहा था। तो इस तरीके से क्लिंजिंग मिल्क को अप्लाई करना है। थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह फेस पे इकट्ठा होता है ना, वो ईजिली रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर आपको क्रीम का कलर भी चेंज दिखेगा थोड़ी देर में। तो इस तरीके से कम 5 मिनट से 5 से 7 मिनट तक क्लिंजिंग मिल्क को अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा पानी या फिर गुलाब जल आप लेके मसाज करते जाओगे। जैसे जैसे कर रही हूँ सेम वैसे ही करना है आपको। नोज के पास हमारे नाक पे ज़्यादातर ब्लैकहेड्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो नाक पे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में करना है। और किस तरीके से ब्लीच अप्लाई करना है वो भी बता दी, तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से मसाज करते जाना है आइज़ के नीचे, ओके। गालों पे इस तरीके से करना है, गर्दन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। गर्दन को भी साथ के साथ करेंगे, क्योंकि हमारा फेस पे जितना डर्ट मिट्टी इकट्ठा होता है उतना ही हमारे गर्दन पे भी इकट्ठा होता है, ठोड़ी पे, अपर लिप्स पे एंड इस तरीके से नोज पे मसाज करना है। कम से कम 5 मिनट तक यही स्टेप चलते रहेंगे। बहुत ही स्टाइलिश हेयर स्टाइल की वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं एंड मेकअप की, तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फोरहेड पे इस तरीके से करना है, आइज़ के जस्ट इधर यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आपको मसाज करने से आपके आइज़ को रिलैक्स मिलता है डार्क सर्कल में, और फाइन लाइन जो रिंकल्स पड़ते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वहाँ पे भी करना चाहिए मसाज बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है तो वो दबता है, तो हमारी आइज में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से मसाज करना है 5 से 7 मिनट तक। जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से मसाज करते जाऊंगी, कम से कम 7 मिनट तक आपको करना है। ठोड़ी पे इस तरीके से मसाज करना है, ओके। जब मैंने इनको स्टार्ट किया था तो इनके फेस पे काफ़ी दरदरा टाइप का फील हो रहा था, बट लास्ट टाइम तक इनका फेस काफ़ी सॉफ्ट हो गया था जब ब्लीच उतारा मैंने। तो आपको भी इस तरीके से करना है, आइज़ के ऊपर आपको रिंग फिंगर से इस तरीके से मसाज करना है, क्योंकि रिंग फिंगर से ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है तो आपके आइज़ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी मसाज कर रहा बहुत हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो इस तरीके से मैं मसाज करते जा रही थी और 5 से 7 मिनट तक मैंने इनका मसाज किया था। उसके बाद मैंने जो ब्लीच रेडी करके रखा था वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मसाज हमारा क्लिंजिंग मिल्क का जो मसाज था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, मसाज तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको स्पंज की मदद से जितना भी कलर, क्रीम का कलर भी चेंज हो गया, काफ़ी मैल क्रीम में आ गई है। आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे में, लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत ब्लैक ब्लैक सा हो गया था क्रीम पूरा, और बहुत अच्छे से इनके स्किन में अब्जॉर्ब भी हो गया था, क्योंकि इनकी स्किन बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है। तो ड्राई स्किन के लिए B1 का एलोवेरा वाला क्लिंजिंग मिल्क आप अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अब इस तरीके से सारे क्लिंजिंग मिल्क को हटा लेंगे अच्छे से पूरा।
तो अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लीच को रिमूव कर लिया है। अब सॉरी, अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लिंजिंग मिल्क को रिमूव कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो ब्लीच रेडी करके रखा था उसको अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हो और चाहो तो हाथों से भी लगा सकते हो। तो ब्रश से लगाना है तो आप इस तरीके से अप्लाई करोगे और हाथों से लगाना है तो क्रीम को फिंगर पे इस तरीके से लेंगे और अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप ब्रश से कर सकते हो, बट अगर आप बिगिनर्स हो, आप सीख रहे हो, तो पहले फिंगर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से अच्छे से पूरा फेस पे अप्लाई कर देंगे। नोज पे हमारे ज़्यादा ब्लैकहेड्स है तो नोज पे हम लोग ज़्यादा ब्लीच अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्लीच से क्या होता है कि हमारे ओपन पोर्स भी खुलते हैं और ब्लैकहेड्स जो हैं वो फूल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जब हम लोग स्क्रब करेंगे तो वो ईजिली निकल जाएंगे। इसलिए आपको जहाँ पर ब्लैकहेड्स लग रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीच अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ब्लीच में हार्ड केमिकल होते हैं जो कि आपके स्किन को, ओपन पोर्स को ओपन कर देते हैं और एक्स्ट्रा डर्ट, गंदगी और ब्लैकहेड्स वगैरह जो भी स्किन पे होता है, पिंपल्स वगैरह, वो थोड़ी देर के लिए फूल जाता है, तो तुरंत स्क्रब करने से वो निकल जाता है। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है। अब आईब्रो पे जितना भी क्रीम लगा होगा, ब्लीच क्रीम, उसको आप रिमूव कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी आईब्रो के बाल भी फेशियल लेयर के साथ साथ ब्राउन हो जाएंगे और आपके स्किन के कलर में आ जाएंगे। इसलिए आप अगर जहाँ पर आपको मतलब कलर नहीं चढ़ाना है वहाँ पर आप इसको हटा दीजिएगा। गर्दन पर भी पूरा ब्लीच मैंने अप्लाई कर दिया है और इस तरीके से आईब्रोज के ऊपर से क्रीम को हटा देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने हटा दिया है। और अभी हम लोग इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लिया है पूरा। तो चलिए मिलते हैं फिर से 15 मिनट के बाद, जब इसको रिमूव करना होगा। 15 मिनट तक छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ब्लीच का जो काम था वो असर कर चुका है। अब हम लोग इसको रिमूव कर लेंगे। तो मैं पे डायरेक्ट स्पंज से ही हटा रही हूँ, आप चाहो तो स्पैचुला की मदद से भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से सारे ब्लीच क्रीम को साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है वो भी बता रही हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा सा ग्लो अभी से आ गया इनके फेस पे। फिर मैंने इनको बाद में क्लीन अप भी दिया था, उसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूँगी। तो अच्छे से रिमूव करने के बाद से आपको फिर से रोज़ वाटर लेना है, उस फेस पे अच्छे से स्प्रे कर देना है। उससे क्या होगा कि ओपन पोर्स जो होंगे वो हाइड हो जाएंगे और स्किन में ठंडक सी आएगी और ग्लो अच्छा आएगा। तो रोज़ वाटर को इस तरीके से लगा देना है। गुलाब जल को अच्छे से फेस पे इस तरीके से स्प्रे करेंगे, पूरा फेस गीला कर देना है अच्छे से। आईज के पास थोड़ा ज़्यादा मारना है, क्योंकि क्रीम वगैरह जो आईज में गई होगी वो रोज़ वाटर के साथ बाहर निकल जाएगी। फिर स्किन को रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से टॉवल से स्किन को पोंछ लेना है रोज़ वाटर को। और ये हमारा जो कंप्लीट हो चुका है ब्लीच, सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच करने का सही तरीका आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए और इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी जानने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।